खबर आ रही है फिरोजपुर तो, जिथे कल देर रात नू फिरोजपुर फाजिलका जीटी रोड ते स्थित पेट्रोल पंप दे सामने पराली नाल भरी ट्राली नू अग लगन दी सूचना सामने आई, जिस नाल पराली समेत भरी हुई ट्राली सड़ के सुआह हो गई। दस्या जा रहा है कि ट्राली दी हुक नू वेल्डिंग लाउन द्वारा भड़की चिंगारी तो पैदा हुए अग दे भांबर ने ट्राली नू अपनी चपेट विच लै लिया। मौके ते पहुंचे फायर ब्रिगेड, पेट्रोल पंप मुलाजमां ते पुलिस प्रशासन दी सहायता नाल 2.5 घंटे दी सख्त मुशक्कत तो बाद अग ते काबू पा लिया गया। कल गड्डी ट्रैक्टर पे, ट्रैक्टर था एसर, वो कल टूट गया उसका, तो आज बिल्डिंग हो रही थी, उसमें बिल्डिंग होते होते उसमें आग लग गई। वो बिल्डिंग करते रहे, उन्हें पता ही नहीं चली आग कब लग गई। जब देखा पंप वालों ने कि आग लग गई, तब उनको पता चला। पेट्रोल पंप से कितनी दूरी में आई? लगभग 100 मीटर। अपना फिरोजपुर तो फाजिलका रोड के उत्ते प्रगट साहब गुरुद्वारा के नज़दीक एक घटना वापरी है जी। हाँ जी, असं फायर ब्रिगेड लैके, मैं गगनदीप सिंह ड्राइवर मौके पर पहुंचे हैं जी। जिदा ही सानू फोन कॉल आई है अपने पंजाब पुलिस के मुलाजमान वालों, तुरंत ही असी गड्डी उत्ते चोरी है, तो इतने घटना वाले स्थान पर पहुंचे। हुण की हालात ने जी? हालात जी, मौके पर पूरा अग ते काबू पा लिया गया है, तो बाकी हौली हौली मतलब जी थोड़ी बहुत रह गई सारी कंट्रोल च कर रहे हैं। सर सूचना गई थी मुंशी जी को करीब घंटा डेढ़ पहला भी प्रगट साहब कोले कोई ट्राली है, उन्हू अग लगी हुई है, जो मौके पर पहुंचो। मैं फोर्स लैके समेत सरकारी गड्डी मौके पर आए हैं, तो मौके पर आके देखिया तो पेट्रोल पंप के सामने कुछ डिग्या होया, पराली के गठा उन्हों लग लगी हुई थी। 200 मीटर अगे ट्राली साइड पर सी, उन्होंने लगी हुई सी। असी फिर मौके पर फायर ब्रिगेड को फोन करके मंगाया, जिन्होंने अग दे काबू किया, तो कुछ कर रहे हैं। अगे की कार्रवाई की है जी? अगे तो तफ्तीश जारी है जी, कि अग लगी कि नहीं, इस तरह कर रहे हैं जी। पहले अग से कंट्रोल करना जरूरी है। फिरोजपुर तो अमनदीप शर्मा की रिपोर्ट, लाइव भारत।